हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभ रसोई। आज हम बनाएंगे पिज्ज़ा, वो भी आटा। आटा भी कौन सा, चार तरह के आटे हमने यहाँ पे मिक्स किए हैं, उसका हम चीज़ ब्रश पिज्ज़ा बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब देखिए, देखने में लग रहा है कि ये आटे का बना हुआ पिज़्ज़ा, ऐसे लग रहा है कि जैसे नॉर्मल पिज़्ज़ा होता है वैसे ही है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट और चपाती का भी पिज़्ज़ा बना सकते हो, जैसे ये मैंने सारे आटे को मिक्स करके बना रही हूँ। इसके लिए मैंने मक्की का आटा और गेहूं का आटा, बेसन और बाजरे का आटा, ये तीन चारों आटे मैंने इक्वल में ही लिए हैं। आप चाहे तो आप ज़्यादा कम कर सकते हो, पर मैंने इक्वल ही पोर्शन लिया है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाला है, टू टेस्ट से भी कम ही डालना है, और अजवाइन को थोड़ा सा हाथों में मसल करके वो डाल दिया है। और इसमें जैसे हम आटा गूंदते हैं सिंपल, वैसे हम इसको आटा गूंद लेंगे। इसमें हमने और कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, और थोड़ा सा घी या तेल लगा के हम बाद में, तो इसको थोड़ा सा ऊपर से लगा के और 10-15 मिनट के लिए हमें इसको रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तब तक हम बाकी तैयारियां करते हैं। इसके लिए हमें टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, चीज़ और कॉर्न ले लिए, जहाँ पे आप जो मर्जी सब्जी ले सकते हो। तो अभी 10 मिनट हो गए हमारे आटे को बने हुए को, तो अभी हम बेल के इसकी नॉर्मल हमने चपाती बनानी है, ना हमने ज़्यादा मोटी बनानी है ना हमने पतली रखनी है। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। तो अगर आपके पास, मैं बनाना तो चाह रही थी लेफ्ट ओवर चपाती का पिज्जा ब्रश, पर बनाते बनाते मेरे को आया कि क्यों ना कुछ हेल्दी इसमें ट्विस्ट दिया जाए। तो हेल्दी ट्विस्ट देने के लिए मैंने इस तरीके से मल्टीपल आटा ले लिया है, सारे आटे मिक्स करके, तो उसका मैं बनाऊंगी। और देखिए, बनाना बहुत ही ईजी है, और आपकी क्रेविंग हो रही है पिज्जे की, या वैसे भी आपने खाना है हेल्दी खाना है कुछ, तो आप इस तरीके से ये पिज्ज़ा बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए, नॉर्मल चपाती बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ स्पेशल है इसमें, सिंपल है। तो इस तरीके से हम चपाती बना लेंगे। तो बेसिकली तो हमें यहाँ पे दो चपाती चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से सॉफ्ट हमारी चपाती रेडी हो गई है। अभी हम चपाती को तवे पे बनाएंगे, वो ये भी एक खास चीज़ है। तवे में थोड़ा सा ऑयल लगा के नॉनस्टिक ले लेंगे। अभी हम गैस ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम इसको असेंबल करेंगे। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस आप ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पे सॉस ली है खाली, सिंपल, आपकी मर्जी है। अभी हम यहाँ पे खूब सारा चीज़ डाल लेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ डाल लेंगे। आप यहाँ पे चाहते हो तो आप स्लाइसेस भी, पिज़्ज़ा स्लाइसेस भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाल दी है, ताकि फीका फीका ना लगे। अगर आप यहाँ पे कम चीज़ डालोगे, तो आपको जब पिज़्ज़ा बनेगा तो उसकी ना गेहूं के आटे की या सारे आटे की वो आपको आएगी, एक टेस्ट आएगा। अगर आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ डालोगे तो आपको वो उसका गेहूं वाला आटे वाला कोई फ्लेवर नहीं आएगा, आपको ऐसे ही लगेगा कि पिज़्ज़ा ही है। तो देखिए, बीच में हमने बहुत सारा चीज़ डाला है, ऊपर भी हमने चीज़ डाल के, तो हमें जितनी भी वेजिटेबल आपने जो भी डालनी है आप वो डाल सकते हो, ये आपकी है। अब इस तरीके से बच्चों को भी देगे तो देखो, बच्चों को भी पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ का बना हुआ है पिज़्ज़ा है, उनके लिए वो पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा है। तो इस तरीके से आप बनाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो बस इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें बहुत सारा चीज़ जाएगा, जिससे आपको इसका पिज़्ज़े वाली टेस्ट आएगा। इस तरीके से हमने सारी वेजिटेबल डाली और ऊपर थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा डालेंगे और चिली फ्लेक्स भी डालेंगे, हर्ब, पिज़्ज़ा हर्ब्स भी डालेंगे, ऊपर आप जो आपकी मर्जी आप वो कर लेना, डाल सकते हो। तो इसमें ऊपर हम फिर चीज़ डालेंगे, चीज़ डाल के इसको कवर कर लेंगे और सिम पे इसको बनाएंगे। देखिए, अगर आप ऐसा चाहते हो कि इस तरीके से और जल्दी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 5 मिनट ऐसे ही रख के, ढक के बना के, और 2 मिनट के लिए आप ओवन में इसको डाल देना, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको तवे पे ऊपर ही मीडियम आंच पे पका लेना, तो ताकि क्रिस्पी हो जाएगा और जल्दी आपका रोस्ट हो जाएगा, पिज़्ज़ा जो है वो मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से हो गया, अभी लग रहा है कि ये कौन सा पिज़्ज़ा है, चपाती पे है या पिज़्ज़े वाला हमने मैदे वाला बेस बनाया। इसमें कोई इसमें मैदा नहीं है, कोई इसमें मीठा सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर नहीं है, ईस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और इंस्टेंट पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। देखिए कितना अच्छा है इसमें,
आप एक बार जरूर इसको बनाइए, और आप पिज्जे को, दूसरा जो आप मैदे वाला पिज्जा खाते हैं, आप उसको भूल जाओगे। तो प्लीज बनाइए और इंजॉय करिए।